बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब? मेरे बहन भाई ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में, अपने अपने फैमिलियों के साथ। जी मेरी दुआएं, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे और सदा मुस्कुराते रहें। तो अस्सलाम दुआ के साथ करती हूँ मैं आज की वीडियो शुरू। और आज की वीडियो में जी मैं कर रही थी किचन की सेटिंग, तो मैंने कहा वो भी आप लोगों से शेयर कर दूँ कि मैं आज किचन को कैसे सेट कर रही हूँ। जो पहले वाली सेटिंग थी वो कुछ लोगों को ठीक नहीं लग रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि आपकी किचन की सेटिंग ठीक नहीं है, तो दोबारा उसको ऐसे रखें। तो अभी मैं उसी तरीके से रखने लगी हूँ, आप लोग रहिएगा मेरे साथ और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि सेटिंग अब ठीक हुई या नहीं ठीक हुई। तो ये चले फिर मैं करती हूँ काम और आप लोग रहिए मेरे साथ। आपका टाइम ज़ाया नहीं करती, काम भी करती हूँ, बातें भी करती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से बातें भी काफ़ी सारी शेयर करूँगी यार। साफ हो गया, मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, किचन के आज मैंने की है सफाई। तो अभी काम मेरा हो गया ख़त्म, किचन का काम मेरा हो गया ख़त्म। जल्दी जल्दी मैंने किचन का काम किया, बर्तन मैं मैंने सारे सेट कर दिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो किचन का काम ख़त्म हो गया तकरीबन मेरा। जी तो किचन साफ़ करने के बाद मैंने आपको बताया कि मैं किचन साफ़ करी, आज मैंने किचन की अलमारियाँ साफ़ की हैं, क्योंकि ईद भी आने वाली है और काफ़ी सारी मेरी बहनें जो किचन की क्या पूरे घर की सफाई कर चुकी होंगी, लेकिन मैं हर काम में लेट ही होती हूँ। तो मैंने की है किचन की सफाई, मैंने बर्तन वगैरह वो धो गए, अलमारियों में दोबारा सेट किए हैं, किचन का मैंने कर लिया नीट, किचन मेरा साफ़ हो गया। उसके बाद मैं चली गई बाज़ार, बाज़ार से मैंने करने की शॉपिंग, क्योंकि बच्चों के कपड़े वगैरह लेके आने थे, तो मुझे कपड़े सिले सिलाए अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं खुद ही कपड़े लेके आती हूँ, खुद ही सिलाई करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो जी बाज़ार से मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ, और मैंने ताकि आप लोगों से शेयर कर दूँ कि मैं कौन कौन से कपड़े लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन कौन से सूट लेके आई हूँ। जी ये जी मेरा सूट, आप चेक करें, तो कितने नज़दीक आ गए। ये जी एक सूट जो मैं लेके आई हूँ, तो ये जो है दरमियान में जी इसका बाजू वाला हिस्सा, बाजू दरमियान वाले, और ये है जिसकी बैक। तो आप लोगों ने मुझे लाजिम बताना है कमेंट सेक्शन में कि कपड़े कैसे मैं लेके आई हूँ, कलर कैसे हैं उनके। तो मैं ज़्यादा तेज़ कलर नहीं लेके आई, मैं थोड़े लाइट कलर लेके आई, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा तेज़ कलर पसंद नहीं है। तो चले जी एक सूट हो गया ये वाला, तो उसके क्योंकि मैं इनको धो के डालने वाली थी, मैंने कहा पहले कपड़ों को ना पानी में भिगो के थोड़ी देर रखना चाहिए, उसके बाद कपड़े ये लॉन्ग की जो सिलाई करना चाहिए, क्योंकि बाद में ना वो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये जी इसके साथ सलवार है, और ये इसका दुपट्टा, ये इंडियन शिफॉन में आजकल आपको पता है दुपट्टे आ रहे हैं इंडियन शिफॉन में, तो ये इसके साथ इंडियन शिफॉन वाला दुपट्टा है। ये इसका ये मसला होता है कि ये सर पे टिकते नहीं हैं, ये बार बार उतर जाते हैं, लेकिन अभी आजकल आपको पता है ये चल रहे हैं, तो फिर मैं ये लेके इसके साथ ये दुपट्टा जी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला दुपट्टा, और एक सूट मैं ये लेके आई हूँ। तो इसके बाद जी इसकी बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी बैक साइड, ये इससे आगे जो है ये इसकी बैक साइड है, और ये इसकी बाजू, ठीक है जी। ये दो कलर में सूट है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा है, आपने मुझे बताना है कि ये सूट कैसा था। तो इसके साथ है जी शलवार ये वाली, ठीक है, और ये इसके साथ है जी इंडियन दुपट्टा,
लोगों ने लाजमी मुझे बताना है कि ये सूट कैसा था। मुझे तो बहुत पसंद आया तो फिर मैंने ले लिया। तो ये हो गए दो सूट जी। अब ये तीसरा सूट, साफ नजदीक ले आओ। वो जो मैंने आपको पहले कलर बताया है उस कलर में, इस कलर में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इतना ज्यादा तो नहीं फर्क नजर आ रहा होगा शायद आपको, क्योंकि उसका जो ये वाली जगह है वो और कलर है और ये और कलर है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। तो बस मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये भी लाइट कलर है तो लाइट कलर मुझे ज्यादा पसंद होते हैं। तो ये इसकी जो है उसके बाद जी ये इसके दरमियान वाले बाजू और ये इसकी बैक साइड। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि सूट मैं किस तरह के ले आई हूँ, आपको पसंद आया या नहीं आया। तो जी इसके साथ की शलवार, ये इसकी शलवार जो मैंने आपको बताई अभी के लिए, तो इसके साथ शलवार भी है, ये भी प्रिंटेड है। तो ये शलवार इसकी, तो उसके बाद इसका दुपट्टा, इसका भी इंडियन शिफॉन दुपट्टा है, शायद मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। ये जी इसका इंडियन दुपट्टा, आपने मुझे बताना है कि कलर कैसे हैं और कैसे सूट में लेके आई हूँ। तो जी तीसरा सूट मैं आपको दिखाती हूँ। तीसरे सूट को मैंने अभी वो मैं इसको भिगो रही थी, मैंने कहा कपड़ों को पहले पानी मार लेती हूँ, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने कहा अपने व्यूअर को भी दिखाऊँ कि मैं किस तरह के कलर लेके आई हूँ। एक सूट ये लेके आई हूँ जी मैं, तो उसके बाद जी इसकी बैक साइड पता नहीं आपको भी कैसा नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा कलर है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये कलर। और ये आगे इसके बाजू, ठीक है, और इसके साथ जी शलवार की ये है, ये इसकी शलवार है और इसके पांचे में वो बॉर्डर सा बना हुआ इसके पांचे में। तो एक सूट में ये लेके आई हूँ, ठीक है, और इसके साथ जी इसका दुपट्टा ये वाला है, ये भी इंडियन शिफॉन ही है दुपट्टा, क्योंकि आपको पता है आजकल ये चल रहा है सारा कुछ, तो फिर उसके साथ ये दुपट्टे थे। तो जी एक बेटे के लिए मैं कॉटन का सूट भी लेके आई हूँ, मुझे ज्यादातर वो पसंद नहीं है कपड़े सिले सिलाए हुए, तो मैं फिर ये भी कॉटन ले, पता नहीं मेरे बेटे को पसंद आता है या नहीं आता। तो एक सूट में ये ले आई हूँ, मैंने कहा आज गर्मी है तो कॉटन का सूट अच्छा रहेगा, तो एक कलर में ये लेके आई हूँ अपने बेटे के लिए। तो एक ये ब्लैक कलर का ले आई हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही फर्क है लेकिन ले आई हूँ, अभी देखिए मेरे बेटे को पसंद आता है या नहीं आता। ये भी कॉटन है और ये भी कॉटन है, ये मैंने पानी में भिगो के रखा था थोड़ी देर, मैंने कहा दर्जी के पास बाद में भेजूंगी पहले पानी में ना, उसको थोड़ा स्ट्रेन कर देती हूँ। और ये वाला सूट है, तो आप लोगों को पता नहीं फर्क नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा ना ये वो ब्लैक कलर में आ रहा है और ये दूसरा कलर है। तो ये दो सूट लेके आई थी ये वाले, और एक इसके पापा का सूट है वो भी पानी में मार के रखा हुआ है, ये कलर इसके पापा के लिए लेके आए। आपको ये ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि मैंने पानी में इसको भिगोया है, तो वो थोड़ा सा आपको पता है फिर कॉटन है तो कॉटन ऐसा ही हो जाता है जी। ये कपड़े में लेके आई थी आज, तो मैंने कहा ये भी मैं अपने व्यूअर को दिखा दूँ कि व्यूअर दिख बताएं कि ये कलर मुझे बहुत पसंद आए और मैं ले आई हूँ, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो आज ये मेरा दिन ऐसे ही गुजरा है और आपको मैं दिखाती हूँ, मेरा दिल भी आज गाड़ी सीखने गया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो गाड़ी कैसे चला रहा था। तो जी ऐसे ही सारा दिन गुजर गया है, तो अभी मैं इन कपड़ों को भिगो के रखूँगी, उसके बाद मैं करूँगी सिलाई, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कपड़े मैंने कैसे सिलाई किए हैं। अभी आप लोग देखिए कि मेरा अदील गाड़ी कैसे चला रहा है, ठीक है, फिर आपसे मिलती हूँ।
मेरा हो गया खत्म, मैंने किचन का ये सारा मत किया, काम मेरे खत्म हो गए हैं। तो आपसे मैंने शेयर किया, मेरे बेटे ने गाड़ी चलाना भी सीखी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।